हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वड़ा पाव के अंदर जो रेड वाली ड्राई चटनी होती है उसकी रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसन, और बेसन का हम लोग घोल बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना बेसन लेना उतना लीजिए, इसी के साथ नमक, और मैंने लिया हल्दी पाउडर। इसी के साथ थोड़ी सी हाथ से मसल कर लेंगे अजवाइन, थोड़ी सी हींग लूंगी, और अच्छे से इनको हमें मिक्स कर लेना है। और बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतला दोनों नहीं करना है, मीडियम साइज़ का हमें बैटर रेडी करना है। किस हिसाब से बैटर रेडी करना है मैं आपको चम्मच से टर्न करके बताऊंगी, उस हिसाब से हमारा बैटर होना चाहिए। बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको विस्क कर लेना है, तो बहुत ही फ्लफी सा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, और यहाँ पर ऑयल भी मैंने साइड में गर्म होने रख दिया था। और फटाफट से इसकी हम लोग को भुजिया बना लेना है, एकदम क्रिस्पी सा कर भुजिया रेडी करना है। इस बैटर के अंदर मैंने बिल्कुल भी इनो बेकिंग सोडा या कुछ भी ऐड नहीं किया है, ऐसे ही हमें इसको फ्राई कर लेना है। और फिर उसके बाद में एकदम अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको ड्राई चटनी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर भुजिया रेडी कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जब ये हमारे सारे भुजिया अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको बाहर निकाल लेंगे, और उसी ऑयल के अंदर हम लोग छिलके के साथ में लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है बस, तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर उसके बाद में इनको भी हम साइड में निकालेंगे, और फिर उसके बाद में मिक्सी जार के अंदर जब सब ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी जार के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं लूँगी लाल मिर्ची। पहले मैं एकदम लाल मिर्ची का पाउडर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में एक बार हमें दरदरा पीस लेना है, फिर सूखी लाल मिर्ची लेंगे, और इसी के साथ नमक ले लेंगे। और यहाँ पर अच्छे से इसको हमें मिक्सी चला लेना है, दरदरा भी कर सकते हो, मीन पेस्ट भी कर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ये पाउडर एकदम अच्छे से रेडी हो गया, इसको स्टोर करके आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।